नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिविटी विद श्वेता। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ एक ट्रेडिशनल वॉल डेकोर, जिसको कि बनाने के लिए मैंने सूप का यूज़ किया है। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, हिट बेल आइकन, जिससे कि आगे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। तो आइए बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है ये एक सूप, और सबसे पहले इसको पेंट करना है। तो मैंने यहाँ पर इनेमल पेंट का यूज़ किया है। आपको भी सजेस्ट करूँगी कि आप इनेमल पेंट का ही यूज़ करें। और मैंने यहाँ पर ये येलो कलर से इस पर पेंट कर लिया। जब ये अच्छे तरीके से सूख गया, इनेमल पेंट सूखने में थोड़ा सा टाइम लेता है, और इसको करने के पीछे मेरा मोटिव यही था क्योंकि ये पेंट निकलता नहीं है और हमारा जो सूप है ये सीलन वगैरह से काफ़ी बचा रहेगा अगर आप इसको वॉल वगैरह पे हैंग करते हैं। तो उसके बाद में मैंने ठीक उसी सूप के ही साइज़ का मैंने एक पेपर कट कर लिया, क्योंकि डायरेक्ट सूप पर ड्रॉ करना, आर्ट करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। अगर आपकी ड्राइंग बहुत ज़्यादा अच्छी है तो आप इसको कर सकते हैं, मैं अपने आप को उस लेवल का नहीं मानती हूँ। तो मैंने पहले पेपर को लिया और मैंने पेपर पर उसको कट, मतलब पूरे जो मुझे आर्ट बनानी थी कथकली का, मैंने मुझे एक फेस बनाना था, तो मैंने उसकी रेफरेंस इमेज मोबाइल से निकाली और मैंने उसको इस पर ड्रॉ कर लिया। सेकंड चीज़ थी कि इसके बाद का भी एक स्टेप और है, और उसके बाद में हमको इस आर्ट को येलो कार्बन पेपर लगा करके एक बकरम के पीस के ऊपर इसे ट्रेस कर लेना है। मैं इस सूप के ऊपर बकरम के पीस का यूज़ कर रही हूँ और मैं उसी को उसके ऊपर स्टिक कर दूँगी। इसके पीछे सिर्फ एक ही मेरा मतलब मेन रीज़न ये है बकरम को यूज़ करने का, क्योंकि जब हम सूप पर पेंट करते हैं ना तो सरफेस थोड़ी सी अनइवन होती है, तो बहुत ज़्यादा फिनिशिंग अच्छी नहीं आ पाती है। तो अगर आप उसको बकरम पर या किसी फैब्रिक के ऊपर पेंट कर लेते हैं और आप उसको उसके ऊपर स्टिक करेंगे तो फिनिशिंग और उसका लुक काफ़ी अच्छा आएगा। तो बस इसी की वजह से मैंने यहाँ पर बकरम के पीस का ये यूज़ किया है, और उसके ऊपर फिर मैंने ये फेस को अच्छी तरीके से ट्रेस कर लिया, और एक्रिलिक कलर के साथ में मैंने कुछ इस तरीके से इसको यहाँ पर पेंट किया है। तो मैं इसको किस तरीके से पेंट कर रही हूँ ये आप इसको देख सकते हैं। तो आइए थोड़ा सा कथकली के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि इंडिया अपनी आर्ट फॉर्म के लिए भी काफ़ी ज़्यादा रिच माना जाता है, इसी तरीके से हमारे यहाँ बहुत सारी ट्रेडिशनल डांस के भी फॉर्म्स हैं, तो कथकली भी उनमें से एक है। और ये बेसिकली केरला साइड से जुड़ी हुई है और एक रिलीजियस डांस है ये, और इसमें जो इंस्पिरेशन ली जाती है डांस की ये रामायण से ली जाती है, या फिर ये शैव ट्रेडिशन से जुड़ी हुई होती है। और कथकली में क्या होता है कि इसमें जो ये डांस फॉर्म परफॉर्म की जाती है ये मेनली बॉयज़ के द्वारा या मैन के द्वारा परफॉर्म की जाती है, दाओ अगर उनको कोई फीमेल कैरेक्टर भी प्ले करना है तो भी उसको बॉयज़ ही प्ले करते हैं। तो ये जो डांस फॉर्म है इसमें फेशियल एक्सप्रेशंस बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि उन्हीं के द्वारा ये अपनी पूरी कहानी को सामने अभिव्यक्त करते हैं। हाथों का मूवमेंट, पैरों का मूवमेंट और साथ में फेस के एक्सप्रेशंस ये पूरी स्टोरी को हमारे सामने प्रेजेंट कर देते हैं। तो कुछ चीज़ें होती हैं ना जो कि हमारे दिल में बस सी जाती हैं, उन्हीं में से एक कथकली का एक फेस है जो कि मैं बहुत लंबे समय से अपने लिए बनाना चाह रही थी। फाइनली मैंने इसको कुछ इस तरीके से अपने लिए बनाया है सूप के ऊपर, और मैंने इसको बकरम के ऊपर बनाया है, पेंट किया सीजर से, मैंने कट करके इसको फैब्रिक ग्लू के साथ में सूप के ऊपर स्टिक कर दिया। फैब्रिक ग्लू बहुत ही अच्छा एडहेसिव है, आप इसका यूज़ कर लीजिए, इससे पेंटिंग को कोई नुकसान नहीं होने वाला। और उसके बाद में इसको थोड़ा सा और ब्यूटीफाई करने के लिए मैंने यहाँ पर डिफरेंट कलर के 3D कोन आउटलाइनर का यूज़ किया है, और जब ये सूख गया फिर मैंने इसके ऊपर एक वार्निश का कोट किया है, और उसके बाद में मैंने इसके ऊपर सीक्वेंस का यूज़ किया है। तो वार्निश आपको पहले लगा लेनी है, सीक्वेंस आपको बाद में लगाना है। साइड में मुझे लगा कि यहाँ पे थोड़ा सा और पेंटिंग वर्क की ज़रूरत है, तो मैंने कुछ इस तरीके से इसको पेंट कर लिया है, और हमारा ये एक सूप बन करके तैयार है। आप इसको अपने तरीके से कैसे भी डेकोरेट कर सकते हैं। तो कुछ इसी तरीके से मैंने अपने लिए एक दूसरा सूप भी तैयार किया है, और इसमें मैंने अपने पद्म भूषण से सम्मानित प्रसिद्ध
बंगाली चित्रकार श्री जामिनी राय की एक पेंटिंग है तीन पुजारन, तो उसको मैंने यहाँ पर कॉपी किया है। और मुझे जामिनी राय की पेंटिंग्स भी बहुत ज़्यादा पसंद हैं, मैं उनको अक्सर देखती हूँ तो सोचती हूँ कि मैं सारी की सारी पेंटिंग्स अपने लिए बना लूँ। तो मैंने इसमें एक मदर्स डे पर एक इनकी माँ और बच्चे की भी पेंटिंग थी वो मैंने कॉपी की थी, और इस बार मैंने ये तीन पुजारन की पेंटिंग को कॉपी किया है। तो सेम उसी तरीके से मैंने यहाँ पर मेथड फॉलो किया है जैसा कि मैंने प्रीवियस पेंटिंग में किया था, सिर्फ यहाँ पर मुझे लगा कि थोड़ा सा ये खाली सी जगह लग रही है तो मैंने यहाँ पर स्टेंसिल का यूज़ करके एक ही मंडाला आर्ट बना ली है। एक चीज़ और है, आप इस तरीके से आप कहीं किसी भी ऑब्जेक्ट पर बना सकते हैं, जैसा कि मैंने काफ़ी पहले एक प्लेट के ऊपर ये दुर्गा माँ का फेस बनाया था। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।